नमस्कार, मैं विनीता मैं तो तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विनीस वर्ल्ड। यहाँ पे हम थोड़ा चिट चैट, थोड़ा गॉसिप, फन, फूड, एंटरटेनमेंट सभी के ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन जो भी मेरे फ्रेंड्स नए हो, मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हो, फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। टॉपिक रहेगा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है और मुझे लगा इतने छोटे से प्लेटफॉर्म में मेरे फ्रेंड्स बहुत ही कम हैं, बट अगर किसी को भी मैं अगर कुछ अच्छा बता सकती हूँ तो व्हाई नॉट। तो अभी बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं प्लेटफॉर्म में जन्माष्टमी का, किसने कैसे मनाया, और मुझे लगता है कि यूट्यूब से बहुत किसी ने पूजा पाठ सीखा, बहुत किसी को किसी ने फॉलो किया, पूजा कैसे करते हैं, क्या क्या विधि है। और जो नहीं जानते हैं, जो अभी जस्ट अभी अपना घर परिवार में एंट्री किए हैं और पता नहीं है, तो बहुत अच्छा है, आप सर्च करो, सब कुछ सबको अवेलेबल है। लेकिन मेरा एक वो है कि अंधाधुन किसी को फॉलो करना भी अच्छी बात नहीं है। और आज का जो मेरा एक बहुत बड़ा सा टॉपिक है जन्माष्टमी को लेके, जैसे कि एक क्रेज सा आ जाता है, अगर जन्माष्टमी है तो उसके लिए पूरे रील्स वीडियोस वायरल हो जाएंगे, अगर आपका रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन ट्रेंड में हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात है नहीं, लेकिन लोग व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स व्यूज़ के लिए लोग इतने पागल हो जाते हैं कि किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और दूसरी ये बड़ी बात है कि वो एक तो पहली बात तो जो बना रहे हैं, और मैं मुद्दे पे अगर आती हूँ तो एक बहुत वायरल वीडियो चला है कि गोपियाँ तो सबसे पढ़ जाएगी बट राधा रानी तो मेरी है। ये एक बहुत बड़ा सेंसिटिव किस्सा है। सभी कहते हैं कि हम सनातनी हैं, धर्म है, ये है, वो है, बहुत सारी बातें हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसको, उन्होंने जिसने भी ये रील को बनाया है या जो भी इस वीडियो को बनाया है, मैं उनकी गलती मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि वो तो आप उनको फॉलो कर रहे हो, आप उनको देख रहे हो, आप जो है जो आप सब्सक्राइब कर रहे हो, तो इसमें उनकी गलती नहीं है। अगर वो कोई भी ऐसा टॉपिक बना रहे हैं या जो अनवांटेड चीज़ है अगर कोई दिखा रहा है, तो ये उनकी गलती नहीं है, ये देखने वाले की गलती है। फ्रेंड्स, ये आप लोग की गलती है कि आप उसको अंधाधुन फॉलो कर रहे हो। और बहुत थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट भी रहा है कि जो चीज़ अच्छी चीज़ें हैं, हम अच्छी चीज़ों को हम फॉलो नहीं करते, अच्छी चीज़ों को हम देखना पसंद नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा अगर वल्गैरिटी आ जाए और ख़राब बातें हो जाए तो हम अंधाधुन उसको फॉलो करते हैं। तो एक वीडियो है, उसमें पता नहीं मिलियंस में है, और फिर उस वीडियो को देख के दूसरे बंदे जो हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, गोपियाँ पट सकती है लेकिन राधा रानी तो मेरी है, इस टाइप का कुछ एक ट्रेंड चल रहा है। और पता नहीं उसमें कितने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ है उस रील में, इतने लाइक्स है। तो फ्रेंड्स, ये गलती उनकी नहीं है कि वो बना रहे हो। आप जिस दिन उनको देखना बंद कर दोगे, आप उनको जिस दिन सब्सक्राइब करना बंद कर दोगे, तो ऑब्वियस सी बात है इतना न्यूसेंस और इतना अनवांटेड टॉपिक कोई लेगा ही नहीं। आप इंजॉय कर रहे हो इसलिए वो इंजॉयमेंट आपको दे रहे हैं। तो मैं बनाने वाले के ऊपर आरोप ना उठा के, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे फ्रेंड्स क्यों, जितने भी जो यूज़ करते हैं, जो व्यूअर्स हैं, वही अगर उनको पसंद करेंगे, क्योंकि मार्केट में वही चीज़ बनता है जिसकी डिमांड होती है। तो फ्रेंड्स, आप डिमांड कर रहे हो और आपकी डिमांड जो है वो फुलफ़िल हो रही है, तो गलती हमारी है और हम किसी को इसमें उंगली नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि खुद पे आप किसी को लांछन नहीं लगा सकते हो अनलेस एंड अंटिल कि आप कितने शरीफ हो। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो थोड़ी सी बोरिंग रही होगी, और हालांकि मैंने इस वीडियो में बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात किया है। लोग कहते हैं कि हम सनातनी हैं, धर्म फॉलो करते हैं, ये है, वो है, लेकिन हमें ही नहीं पता होता है कि हम किस चीज़ को लेके, कब किसी को लेके किसी के इमोशंस को हर्ट कर जाए, किसी के रिलीजन को हर्ट कर जाए। और ये दूसरे लोग नहीं कर रहे, हमारे ही लोग हैं, हमारे ही बंदे हैं जो ये कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से हम इसको इंजॉय कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी समझ में आई होगी मेरी बातें, मेरी जो चिट चैट है थोड़ी ना भी समझ में आए, बट मैं चाहती हूँ कि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और इसको, इस पर जो भी मेरे वीडियोज़ देख रहे हो, एक से दो बार बराबर से इसके ऊपर सोचना, और बस चलते
चलते चलते उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं वनीता आपसे अलविदा लेती हूँ, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड मेक अदर्स।